भारत सरकार लगातार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में सरकार किसानों के हितों को देखते हुए खास तौर पर उनके लिए कई योजनाएं चलाती है। केंद्र सरकार के पास ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ उठाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। एक ऐसा ही योजना है जिससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलता है। बता दें कि साल 2018 में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। चार चार महीने के अंतराल पर किसानों को यह राशि दी जाती है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से यह पैसे सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। बता दें कि इस योजना के तहत भारत सरकार अब तक 17 किस्तों जारी कर चुकी है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से की थी आप किसानों को अगली किस्त यानी 18वीं किस्त का इंतजार है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर के महीने में किसान योजना की 18वीं किस्त जारी की जा सकती है, लेकिन किस्त मिलने से पहले किसानों को कुछ काम करने की जरूरत है, वरना उनकी किस्त के पैसे अटक सकते हैं। सरकार किसानों द्वारा पहले ही इस बारे में सूचित कर दिया जाता है। सूचना के लिए लाभार्थी किसानों को ई केवाईसी और भूमि सत्यापन करवाना जरूरी है। जिन किसानों ने इन कामों को अब तक नहीं करवाया उनकी अगली किस्त अटक सकती है।